आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक अर्पण जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये तीन कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक अर्पण जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आज आप सभी लोगों को बेहद महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान की जाएंगी, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक करना ना भूला करें। आप लोग लाइक बहुत कम संख्या में करते हो, है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी कुछ निगेटिव चीज़ें पा रहे हैं और विद्यार्थियों का ये अप्रोच होता है कि जिस तरीके से कोई कार्य हो तो उसका परिणाम दिखना भी चाहिए। और इस समय जो जिस तरीके का निगेटिव नैरेटिव फिट किया जा रहा है तमाम चीज़ों को लेकर के, उसमें कहीं भी सकारात्मकता दिखती नहीं है। आज इन तमाम डाउट्स का हम क्लियर करेंगे और आपके साथ वो अपने तर्क शेयर करेंगे जो हमने अधिकारियों के सम्मुख रखे थे, ताकि आप सभी लोगों के जीवन की जो प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को अपडेट दी जाएगी UP SSC की। UP SSC में इस समय जिस भर्ती पर तैयारी चल रही है वो है यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में और तमाम भर्ती संस्थानों में, मतलब तमाम संस्थानों में, सॉरी भर्ती संस्थान मैंने बोला, तमाम संस्थानों में जो क्लर्कों की वैकेंसी आनी है, लगभग 17,000 पद रिक्त हैं, लेकिन जो पहली वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी ये लगभग 3,500 की वैकेंसी होगी, ठीक है ना। मतलब 3,500 की वैकेंसी आप लोगों को क्लर्कों की देखने के लिए मिलेगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है वो वैकेंसी होगी क्या, वो वैकेंसी होगी आपकी BDO की नई वैकेंसी। ये वैकेंसी आप सभी लोगों की 2200 पदों पर आने वाली है। जो BDO की वैकेंसी है 2192 पद थे लेकिन इसमें 2200 पद हैं, ठीक है ना। तो 2200 पदों पर BDO की नई वैकेंसी आएगी और क्लर्कों की वैकेंसी 3,500 पदों पर आएगी, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए क्या मतलब फिर से आवेदन नहीं होंगे। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि लेखपाल भर्ती के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि सेकंड TET जब मतलब PET हो, मतलब अगली बार जब PET हो तभी उसमें कुछ चीज़ें जो है परिवर्तित हो सके, ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और विद्यार्थियों की हमेशा से ये मांग रही है कि PET में कम से कम 40% विद्यार्थियों को कॉलिंग किया जाना चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है तो विद्यार्थी इसको मुख्य परीक्षा, द्वितीय परीक्षा जो मेन परीक्षा में सम्मिलित होते हैं उसमें जो है काफ़ी कुछ परिवर्तित कर लेते हैं अपने आप से ही। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कोई मुख्य परीक्षा वगैरह नहीं होती है, ये आपके प्रथम चरण की परीक्षा होती है। चूँकि समूह गा और घा के पदों पर किसी भी प्रकार के साक्षात्कार आदि का व्यवस्था नहीं किया गया है, इसलिए इसको मुख्य परीक्षा ही विद्यार्थी मान लेते हैं कि ये वनडे फॉर्मेट का एग्ज़ाम है, है ना। तो ये देखा जाए तो वनडे फॉर्मेट का ही एग्ज़ाम है। तो इसके लिए निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां आरंभ कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को काफ़ी सारी वैकेंसियों की जो सुगुगाहट है वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी ही आप लोगों के विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाले हैं। UP SSC में एक निश्चित कट ऑफ होगा, तो जाहिर सी बात है एक निश्चित कट ऑफ होने के कारण आप सभी लोगों को उस पर ज़्यादा कुछ जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक निश्चित कटाव, जितने विद्यार्थी पास हो जाएंगे उतने विद्यार्थी उसमें सम्मिलित होंगे। और ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि इन तमाम भर्तियों को लेकर के काफ़ी कुछ परिवर्तित होते रहता है, काफ़ी कुछ अर्हताएँ बदलती हैं, उन अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए एक फिक्स कटाव रखा जाना नीतिगत भी है और वैधानिक भी है। इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है और UP SSC के तमाम अधिकारी, चाहे वो अध्यक्ष महोदय हों, चाहे वो सचिव महोदय हों, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक महोदय हों, उन सभी लोगों ने पॉजिटिव जवाब दिया है। हम लोगों ने जब ज्ञापन उनको प्रस्तुत किया था तो उन्होंने इस पर पॉजिटिव जवाब दिया था
और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पर शासन भी सहमत है, ठीक है ना, कि किसी भी भर्ती परीक्षा में कम से कम नहीं तो एक निश्चित कट ऑफ जरूर होनी चाहिए। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए, और इस बार की जब पीटी आपको जून में देखने के लिए मिलेगी, जो आवेदन जून में होगा, वो आवेदन में आप लोगों को एक निश्चित कट ऑफ, चाहे वो 55-60% का हो या 60-65% का हो, कुछ भी कट ऑफ वो रख सकते हैं। और अभी तक आप सभी लोगों को जितने अंकों की परीक्षाएं देखने के लिए मिलती थी पीईटी, उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, अंकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, 150 की जा सकती है, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए, क्योंकि आने वाला समय आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से समूह गा और घा के पदों पर बम्पर वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिस तरीके से क्लर्कों की बम्पर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना, मतलब अध्याचन आए हुए हैं, आप सभी लोगों को इसको भी करना है, किसको है, यूपी ट्रिपल एससी को करना है। तो जब यूपी ट्रिपल एससी उन तमाम समूह गा और घा के पदों पर भर्तियाँ करता है, तो जाहिर सी बात है कि ये अध्याचन भी उन्हीं को सौंपे जाएंगे, ठीक है ना। और लोअर सबॉर्डिनेट एकदम क्लियर हो चुका है कि आपकी यूपीपीएससी के माध्यम से आएगी, अर्थात लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगी, ये क्लियर हो चुका है एकदम। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए, क्योंकि लोअर सबॉर्डिनेट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, 3-4 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों का इंतज़ार थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन इस बार आप सभी लोगों को उसमें पर्याप्त पद भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियां कर दीजिए। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी या झारखंड टीजीटी पीजीटी के साथ डीएसएसबी, मतलब अगर आपको दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी पीजीटी पीआरटी आदि में सम्मिलित होना और निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, तो आप सभी लोग हमारे नोट्स आदि को ले सकते हैं, जो कि आपको 97-41-13-85 इस व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध हो पाएगा। तो देर किस बात की है, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप नंबर हमारा सेव कर लीजिए। यदि आपकी कोई डाउट है, जैसे कि एक भाई ने हमसे पूछा था कि हमने सर ओटीआर कर दिया लेकिन ओटीआर नंबर हमको नहीं मिल पाया, तो देखिए इसमें वेबसाइट की जो है थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने जो कार्य किया है वो आपका उसका परिणाम नहीं मिलेगा। आप फिर से उस वेबसाइट पर अगर जाएंगे और अपने आवेदन को रिसबमिट करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको बता देगा कि हाँ आपका आवेदन हो चुका है, आपने ओटीआर का लिया है और ये आपका पुराना ओटीआर नंबर है, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए और ओटीआर धीरे धीरे कराना आरंभ करिए। देखते रहिए जब वेबसाइट चले, जिसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन आपके सारे डॉक्यूमेंट उस पर स्कैन होने हैं, तो स्कैनर भी रखना पड़ेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग वेबसाइट को देखते रहिए, विजिट करते रहिए, जैसे ही वेबसाइट ठीक ठाक चलती है आप तुरंत अपना ओटीआर जरूर कर ले। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, किसी को मार्कशीट वगैरह दे करके मत चले आइएगा किसी नेट वाले को, ठीक है ना, नहीं पता लगे वो आपका मार्कशीट ही जो है बिलवाई देगा और फिर आप जो है बिल्ली आने घूमोगे, है ना। पता चलो चलो पेपर में निकलवाओ फिर आवेदन करो कि हमारा मार्कशीट बने, तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा। जो कुछ भी करिए अपने सामने कराइए, सीधी सी बात है, आपके वो जीवन भर की पूंजी है, ठीक है ना। हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक, इंटर से लेकर के ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड तक, सारे कुछ आपकी पूरी पूंजी वही है। अगर आप उन सारी मार्कशीटों को खुआ देते हैं, बाद में उसको बनवाने जाते हैं, तो आपको कम से कम 25-30 हज़ार रुपये खर्चा करने पड़ जाएंगे, और जो समस्याएं होंगी, जो भागदौड़ होगी, जो जिल्लत आपको झेलनी पड़ेगी, वो अलग से होगी, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों पर कभी गौर मत करिएगा, और किसी भी नेट वाले को, कंप्यूटर शॉप वाले को ओटीआर के नाम पर अपने डॉक्यूमेंट मत सौंप दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और आरओआरओ की। विद्यार्थी इस समय जिस भर्ती को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, वो भर्ती है आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की। खंड शिक्षा अधिकारी का इंतज़ार तो मैं स्वयं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी देना है, है ना। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हमारी भी तैयारियाँ हैं, और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये वैकेंसी जारी हो। और इस बात को लेकर के हम लोगों ने जब परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिलना चाहा था, लोक सेवा आयोग के, तो भाई चूँकि कोविड काल का इसमें प्रोटोकॉल है, तो ज़रूरी चीज़ें, संसाधन वगैरह हम लोगों के पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने विंडो के पीछे से मतलब मिलना स्वीकार किया,
है ना, कि भाई चलिए आप खिड़की के बाहर खड़े रहिए, हम आपको उससे खिड़की के अंदर से बात कर लेंगे। इतने पे भी मास्क लगाना पड़ गया था। तो उनसे जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी होना है या इसकी जो परीक्षा होनी है, प्रीलिम्स है ना, प्रारंभिक परीक्षा होनी है, ये परीक्षा आप सभी लोगों को अगस्त में देखने के लिए मिलेगी। मतलब अभी आप लोगों को कम से कम 2 महीने का टाइम दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, स्पेशली आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। कितने पदों पर ये वैकेंसी आएगी तो ये भी क्लियर हो चुका है, 559 पदों का अधियासन आया है, जिसमें कुछ प्रमोशन के माध्यम से ये पद खाली होंगे, मतलब प्रमोशन के माध्यम से पद कट जाएंगे। लगभग 100 या 150 या 175 पदों पर आप लोगों को प्रमोशन देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आप सभी लोगों को लगभग 400-450 पद के अध्याचन आप लोगों के समक्ष विज्ञापन के तौर पे आ सकते हैं। ठीक है, जो ये एक RTI के माध्यम से ये पता चला था कि अभी पदों का वर्गवार बंटवारा नहीं हुआ है, तो ये बंटवारा अब कंप्लीट हो चुका है। और जुखाम हो गई है, सॉरी इसके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को जो ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ये विज्ञापन बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हिंदी की महत्ता को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो एक मैथ का एक अनिवार्य पेपर हुआ करता था, उस पेपर को GS के सिलेबस में सम्मिलित कर दिया गया। मतलब विद्यार्थियों को जो है टच्ची मूवमेंट मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके RO 2023 के नए विज्ञापन को लेकर के। तो RO 2023 के नया विज्ञापन शासन स्तर से मंजूर कर लिया गया है, शासन ने मंजूरी दे दी है, और जो भी अर्हताएँ और या समकक्ष संबंधी जो विवाद था उनका भी निपटारा कर दिया गया है। अब बारी है आपके विज्ञापन की, विज्ञापन की तैयारियां भी आरंभ हो चुकी हैं, और जैसे ही विज्ञापन ये रेडी होता है पूरी तरीके से, इसमें जो लोक सेवा आयोग का फोकस है वो प्रारंभिक परीक्षा पर है PCS के, साथ ही साथ जो आपके LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट है उसके भी, चूँकि भाई बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभ्यर्थन अपना छोड़ा है ना, कि हमारा नाम सम्मिलित मत करिएगा, हम कहीं और नौकरी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस वेटिंग लिस्ट को पुनर्नियोजित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको करने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, और आप सभी लोगों को जैसे ही LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का आप सभी लोगों के सामने वेटिंग लिस्ट आएगी, क्लोजर रिपोर्ट भी उसके सामने तुरंत ही शासन को प्रसिद्ध कर दिया जाएगा कि हाँ ये भर्ती अब कंप्लीट हो चुकी है, अब इस भर्ती में किसी प्रकार का कोई अवशेष नहीं बचा है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कोई चिंता करने की बात नहीं है, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी होगा, इसके लिए आप सभी लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। आज की डेट में एक उच्च स्तरीय मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है जो कि लखनऊ में आयोजित होगी, उसकी अध्यक्षता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे जो कि प्रदेश के मुखिया हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के समक्ष उनके साथ मीटिंग होनी है, और इसमें कुछ जो है अप्रत्याशित तरीके से कुछ फैसले किए जा सकते हैं, जैसे तदर्थ शिक्षकों के पदों को नए विज्ञापन में सम्मिलित करना, TGD-PGD 2022 के पदों पर पदों की संख्या कितनी बढ़ाई जाए इस मुद्दे पर अंतिम मोहर लगाना, साथ ही साथ TGD-PGD 2023 का विज्ञापन कब तक जारी हो इसके संबंध में भी, सर्दी से परेशान हो गए हैं, इसके संबंध में भी कोई न कोई निर्णय किया जा सकता है, साथ ही साथ UPTET कब तक होगा, इसका आवेदन कब तक आएगा, ये सारी चीज़ें भी क्लियर कर ली जाएंगी। बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपका UP कांस्टेबल का नया विज्ञापन। तो UP कांस्टेबल का नया विज्ञापन, चूँकि आप जानते हैं इस समय चुनावी आचार संहिता चल रही है, और जो नियुक्ति और स्थानांतरण का अधिकार है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के पास सुरक्षित है, इसमें शासन भी अभी नियुक्ति या ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। ठीक है ना, अभी देखिए अतीक वाले कांड में जो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं उनको भी चीज़ें करने के लिए निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और राज्य निर्वाचन आयोग को परमिशन के लिए पत्र भेजा भी जा चुका है शासन के माध्यम से, तमाम चीज़ें हो रही हैं, आप सभी लोगों को फेवर की चीज़ें हो रही हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता आपके पुराने अध्याचन जुड़ने के बाद एक साथ जारी हो और साथ में आए, LT ग्रेड भी आए और GIC प्रवक्ता भी आए, तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। ठीक है ना, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन की, तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को
बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। उसमें एक समस्या ये आ रही है कि अभी तक OSD नहीं थे तो OSD आ गए। उसके बाद जो वहाँ के चेयरपर्सन थे विश्वकर्मा जी, उनको इसमें कार्यवाहक DGP बना दिया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के। 2 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट है, 2 महीने बाद वो रिटायर हो जाएंगे, है ना। उसके बाद नए DGP की भी तलाश होगी, पहला। दूसरा ये कि आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, पुलिस प्रवृत्ति बोर्ड के नए चेयरमैन। कई नामों पर विचार किया जा रहा है, और चूंकि भाई इस जिम्मेदारी को जल्दी कोई IPS अधिकारी निभाना नहीं चाहता, है ना। पुलिस प्रवृत्ति बोर्ड के चेयरपर्सन बनने के लिए कोई भी जल्दी राजी नहीं होता है, लेकिन शासन इस पर कार्य कर रहा है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बहुत जल्दी ही इन लोगों की भी नियुक्तियां हो जाएंगी, और आप लोगों को UP कांस्टेबल का 30,000 पदों का विज्ञापन बहुत शीघ्र आने वाला है, निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके LT ग्रेड JSC प्रवक्ता में किन किन विषयों की वेटिंग लिस्ट बन रही है। देखिए, इसमें 4 विषयों की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों को बन रही है। पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है कला, चौथा है आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इन 4 विषयों की वेटिंग लिस्ट सर्वप्रथम आएगी, उसके बाद आप सभी लोगों को हिंदी और गृह विज्ञान के भी 2-4 सीटों पर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। क्या वेटिंग लिस्ट, तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। यदि आप सभी लोगों को 72,825 की शिक्षक भर्ती में हमारे साथ याची बनना है, तो आप 97141385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारी याचिका में जुड़ सकते हैं। रही बात आपके TGT PGT 2016-2021 के वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थियों की, तो उनके लिए मैं बता दूँ, कोर्ट से उनके लिए गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव इंटेंट है, आप सभी लोगों को याची लाभ जरूर मिलेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि भैया देखिए 30 अप्रैल तक तो हम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद हमारी याची लिस्ट बन जाएगी, और वो याची लिस्ट हमारे लायर के माध्यम से कोर्ट में जमा भी हो जाएगी। और कोर्ट में एक बार याची लिस्ट जमा होने के बाद दोबारा मैं किसी को सम्मिलित नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि 249 सीटें जो हमारी याचिका पर रिजर्व हैं, जिसमें 731 पदों का पूरा ब्यौरा भेजा गया था, है ना, और उसमें 249 सीटों का भी मेंशन किया गया था कि ये कोर्ट के माध्यम से ये रिजर्व की गई हैं सीटें, तो उनके लिए पद तो सुरक्षित हैं। अगर आप उन पदों का लाभ लेना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 97141385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके UPTET और BEd बनाम BTC केस के फाइनल ऑर्डर की। BEd बनाम BTC केस के फाइनल ऑर्डर की जो सूचना प्राप्त हो रही है, ये अप्रैल लास्ट वीक में जारी होगा, मतलब 27, 28, 29, 30 ये 4 दिन के भीतर आपके इस ऑर्डर के आने की 99.99% संभावना है, ठीक है ना, क्योंकि वरिष्ठ वकीलों से वार्ता करने के उपरांत ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि अप्रैल लास्ट तक इस ऑर्डर को जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके सबसे पहली जो प्रक्रिया स्टार्ट होनी है वो UPTET की होनी है। UPTET का शॉर्ट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। अब आप कहेंगे नया आयोग तो अभी बना नहीं, तो नए आयोग की अधिसूचना आप लोगों को 26 अप्रैल तक देखने के लिए मिल जाएगी, और उसकी नियमावली आदि को मंजूरी देने के बाद, उसको कानूनी शक्तियाँ देने के बाद, आप सभी लोगों को समकक्ष बहुत जल्दी ही नया आयोग पूरी तरीके से कार्य करता हुआ दिखेगा, और विद्यार्थियों को किसी प्रकार का कोई संकोच या कोई भी समस्या नहीं होने पाएगी। इस चीज़ के लिए मैं आपको वचनबद्ध करता हूँ। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।